अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो आपको एक बात तो पता होगी कि यूट्यूब से आपकी अर्निंग आएगी, लेकिन वो अर्निंग तब आएगी जब आप एडसेंस से बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे। लेकिन जब भी आप बैंक अकाउंट लिंक करेंगे तो आपको एक शिफ्ट कोड मांगा जाएगा, चाहे आपका बैंक कोई सा भी हो, लेकिन आपको शिफ्ट कोड वहाँ पर देना पड़ेगा। तो ये शिफ्ट कोड आपको कहाँ से मिलेगा और ये होता क्या है, यही सारी बातें मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो देखते रहे इस वीडियो को एंड तक। सो गाइस, मैं हूँ अर्जुन और आप देख रहे हैं फन एंटरटेक चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, शिफ्ट कोड प्राप्त करने के लिए आपको सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। और ये जो डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन मैंने टिक करके रखा है, ऐसे ही आपको भी टिक करके रख देना है। अब टिक करने के बाद यहाँ पर आपको गूगल का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब गूगल के सर्च बार में आपको टाइप करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना बैंक दे देता हूँ यहाँ पर यूको। आप यहाँ पर कोई सा भी बैंक दे सकते हैं, आप चाहे तो SBI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर आपका कोई भी बैंक हो, आप अपने बैंक का नाम लिखिए और उसके बाद बैंक शिफ्ट कोड लिख दीजिए। जैसे मैंने यूको बैंक शिफ्ट कोड लिखा और यहाँ पर सर्च पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पर एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी, IFSCShiftCode.com। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक कर देना है तो ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आप ये वेबसाइट देख लीजिए, IFSCShiftCode.com। तो ये देखिए, यहाँ पर आप ऑलरेडी कंट्री इंडिया सेलेक्ट हो रखी है और यहाँ पर यूको बैंक भी सेलेक्ट हो रखा है। अब हमें सेलेक्ट करना है सेलेक्ट स्टेट नेम, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जब जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम अपना स्टेट वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो स्टेट है आप वो सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर सेलेक्ट सिटी नेम, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पर दो सिटी है, एक कोचबिहार एक कोलकाता, तो हमारा कोलकाता होगा। यहाँ पर सेलेक्ट ब्रांच नेम, तो अब यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके सामने कोलकाता के अंडर में जितने भी ब्रांच है वो आ चुके हैं। अब यहाँ पर अगर आपका एरिया का कोई भी ब्रांच नहीं है तो आप कोलकाता मेन, यानी कि आपका अगर झारखंड स्टेट है तो झारखंड मेन ब्रांच पे ही आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको आपका शिफ्ट कोड मिल जाएगा। ये देखिए हमारा शिफ्ट कोड ये है। सो गाइज, अगर आपके एरिया के बैंक में भी शिफ्ट कोड आपको नहीं मिल पा रहा तो आप अपने आसपास के या दूर के एरिया के मेन ब्रांच जो है वही आप सेलेक्ट कीजिए और उसका शिफ्ट कोड आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बैंक एक दूसरे से लिंक रहता है। शिफ्ट कोड के माध्यम से आपका पेमेंट आ जाएगा और आपके IFSC कोड के माध्यम से आपके पास बैलेंस पहुँच जाएगा। सो गाइज, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हमेशा से ही लाता रहता हूँ।